ओके सो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है धीरज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग दिवाली स्पेशल एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं मतलब इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बिल्कुल बनाने की नहीं सोच रहा था क्योंकि ऑलरेडी बहुत से यूट्यूबर्स ने बना दिए, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बहुत से मैसेज किए, भाई आप अपने तरीके से बताओ, हमको भी देखना है। तो यार मैंने सोचा क्यों ना मैं भी दिखा देता हूँ कुछ मनीपुलेशन क्रिएटिव करके। ओके, तो मैं अपने हिसाब से अपने स्टाइल में दिवाली मनीपुलेशन एडिटिंग आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड यार पूरा वीडियो देखना क्योंकि ये बहुत ही बॉम वीडियो होने वाला है एंड आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ और जाके कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप चाहे तो मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो या फिर यार आईडी बहुत अच्छी है, आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप ये डिलीट कर देंगे एंड सिंपल से आपको एक पेपर ओपन कर लेना होगा, ब्लैंक पेपर कुछ साइज़ का, ये वाली साइज़ का, या फिर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये भी दे दूँगा, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो स्टॉक इमेज प्रोवाइड करूँगा आपको इसको यूज़ करते हुए कुछ इस तरीके से एडिट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ डाउनलोड करके लिखे हुए इमेजेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं कर रहा हूँ एंड इसको हम लोग नीचे की तरफ ऐसे करके लगा देते हैं। ओके, तो ये है रॉक। ओके, तो यहाँ से मैं इसको लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। सो मेरे को ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव आज की जो है वो एडिटिंग होने वाली है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी एक बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेंगे या फिर आप लोग चाहो तो कर सकते हो कुछ भी अपना नाइट बैकग्राउंड। ओके, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लूँ एंड देन एंड इसको इसके पीछे लेके जाता है। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से ब्लू कलर का बैकग्राउंड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रात हो रही है। ओके, एंड बहुत सारे स्टार्स भी है, तो ये कुछ अच्छा देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाने के बाद एक ब्लैंक ओपन करना होगा एंड यहाँ पे आपको कलर करना होगा। ओके, ये फुल है, आपको फुल ही रहने देना होगा एंड इसके ओपेसिटी को भी फुल कर लेना एंड उसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा एडिटिंग। डोंट वरी, अभी आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा लेकिन जब एडिट होगी तब बहुत सही लगेगा। ओके, सो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, इतना होने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी को लो कर देना होगा एंड अब एडिट करना होगा कुछ इस तरीके से एंड यहाँ से भी हम लोग कर लेते हैं। ओके ओके, सो आई थिंक इतना सही लग रहा है। अब इसको क्या कर लेंगे, हम इसके नीचे लेके जाएंगे एंड इसकी ओपेसिटी को हम लोग इस तरीके से कम कर लेंगे। ओके, कुछ 40% अराउंड एंड अब नीचे से थोड़ा सा पार्ट इरेज कर लेता है। ओके, ओपेसिटी थोड़ी सी डन एंड यहाँ से ये वाला जो पार्ट है उसको इरेज कर लेता है। ओके, सो अब सही लग रहा है ये, तो ये आपको बाद में पता चल जाएगा ये मैंने क्यों किया, लेकिन अब भी आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा एडिट आपको कैसे करनी है। यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ओके, एंड इसको कुछ इस तरीके से। ओके, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मर्ज कर लेते हैं एंड इसको भी हम लोग अभी मर्ज कर लेंगे। इतना होने के बाद वो क्या करना है, जस्ट एम्प्टी लेयर ओपन करनी है एंड आपका कोई सा भी पीएनजी है जो बहुत ही सही लगेगा इस बैकग्राउंड के ऊपर, आपको उसको कट कर लेना होगा। अगर आपको नहीं पता परफेक्टली पीएनजी कैसे कट करे, वो भी एकदम 3 स्टेप के अंदर बहुत ही फास्ट, तो आप चाहो तो मेरी वीडियो देख सकते हो, आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएगी। सो ये थोड़ा आपको अभी अजीब लगेगा लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेता हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा ये सही लगेगा बाद में आपको, अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन एडिटिंग के बाद आपको पता चल जाएगा ये बहुत सही है। एंड इसको अभी लोग कर लेंगे कॉपी, इसको लेंगे नीचे। ओके, कॉपी एम्प्टी लेयर एंड यहाँ पे जाएंगे ब्लैक कलर। ओके, एम्प्टी लेयर एंड यहाँ पे जाएंगे ब्लैक कलर एंड यहाँ पे जाएंगे मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे जाएंगे मर्ज एंड यहाँ पे जाएंगे नीचे एंड यहाँ पे करेंगे ट्रांसफॉर्म। ओके, यहाँ पे करेंगे ट्रांसफॉर्म। सो इससे आपका जो शेडो है फ़ोटो का वो क्रिएट हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना होगा शेडो एंड यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से सेट एंड इसकी ओपेसिटी को कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी लो। ओके, सो ये अभी लग रहा है थोड़ा सही है एंड अब लोग हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे मर्ज एंड पूरे पिक को कर लेंगे मर्ज एंड यहाँ से कर लेते हैं इसको एडिट इमेज। तो ये हो गया सेव प्रोजेक्ट। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, एक बार वापस से आ जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर एंड एक छोटी सी नीचे लाइन बना देंगे जिससे कि क्या होगा
फोटो मतलब आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ही कार्टून फोटो लग रहा है, आप बोलोगे ये क्या एडिट कर रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बाद में जब ये फोटो पूरा एडिट होगा। ओके सो यहाँ पे डन, एंड यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक लाइन बना देते हैं जिससे कि फ़ोटो की क्वालिटी कम नहीं होगी या फिर समझ लो फोटो की साइज़ कम नहीं होगी। इसको कर लेंगे मर्ज एंड इसको कर लेंगे डन, एंड अब लोग हम कर लेते हैं इस फोटो को सेव। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइट रूम के अंदर मैं आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा इस फोटो को एडिट करने का, लेकिन यार हम तो बिल्कुल करने वाले हैं। तो इसके कॉन्ट्रास्ट को आपको हाई कर लेना होगा, हाईलाइट्स को आपको कम कर लेना होगा, शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा, वाइट्स को कम कर लेना होगा, ब्लैक्स को कम कर लेना होगा, कर्व में जाना होगा, एंड यहाँ से इसको डाउन करके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ और यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना होगा, एंड बूम बहुत सही लग रहा है अब। ओके सो आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। डोंट वरी, हम लोग और भी एडिट करने वाला है इसके अंदर। एंड आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे शेडो क्यों बनाया यार, मैं मतलब सोच रहे होंगे इसमें दिमाग नहीं है, मतलब अभी तो इसने रात दिखाई है पीछे एंड यहाँ पे कैसे परछाई आ रही है। तो दोस्तों इसकी वजह से परछाई आ रही है क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़े पीछे पटाखे डालने वाले हैं, एंड वो ऊपर जब ग्लो करेंगे तब नीचे अपना परछाई का रिफ्लेक्शन जैसे पड़ता है उस तरीके से यहाँ पे मैं एडिट करने वाला हूँ। सो डोंट वरी, एंड यहाँ पे चलने के बाद आपको क्या करना होगा, वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा एंड सेचुरेशन को 10% तक कम कर लेना होगा, एंड उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, वाइट स्किन कर लेनी होगी अपनी, एंड यहाँ से भी ल्यूमिनेंस को रेड की बढ़ा लेना होगा। डोंट वरी, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार बहुत सारे इसके अंदर हमको काम करना है, इसलिए वीडियो लंबी ना हो जाए, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं फास्ट फॉरवर्ड वीडियो म्यूज़िक डाल के आपको दिखा दूँ, मतलब चिपका दूँ व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए। ओके तो ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पर मैं कर लूँगा सेचुरेशन को थोड़ा सा अप, एंड यहाँ से थोड़ी सी हल्की सी डाउन कर लेंगे 10% तक, एंड पर्पल कलर को अगर आप चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे मैं दोनों की ल्यूमिनेंस बढ़ा देता हूँ, एंड रेड कलर की अगर आप लोग चाहो तो और भी सेचुरेशन बढ़ा सकते हो। ओके एंड येलो की सेचुरेशन अगर आप चाहो तो और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जैकेट पहना हुआ है यहाँ पे येलो, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ओके इतना होने के बाद ग्रीन की सेचुरेशन को यहाँ से कम कर लेंगे, इसको भी कम कर लेंगे, एंड यहाँ से कर लेंगे डन, एंड यहाँ पे जाएंगे एंड 40% यहाँ की या 45% कर लेंगे इसकी क्लियरिटी को। तो आप देख सकते हो भाई इसकी क्लियरिटी बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। सो यही तो फ़र्क होता है यार पिक्सआर्ट में, लाइट रूम में या फिर फोटोशॉप में। ओके तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फोटो की सिंपल से शार्पनेस बढ़ा लेनी होगी, एंड यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देता हूँ मैं दोनों का, एंड स्मूथनेस को कम कर लेता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को अभी मेरे को लाइट रूम की डिटेल के अंदर सब कुछ बताने की ज़रूरत है, तो आप मतलब अब आप उस लेवल पर शायद होंगे कि आपको देख के समझ में आ जाता होगा। ओके सो यहाँ पर कर लेंगे इसको हैवी, एंड यहाँ से कर लेंगे इसको डन, एंड सबसे मेन बात तो यार रह गई, यहाँ पर जाके ग्रेन अमाउंट को 4% तक कर लेना है मेरे को। ओके एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रोफाइल के ऊपर टैप करना होगा, एंड मॉडर्न 6 इफेक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करने होगा, मैं अभी कर रहा हूँ मॉडर्न 6। ओके मॉडर्न 6 इफेक्ट कहाँ गया, ये रहा मॉडर्न 6 इफेक्ट को यहाँ से हम लोग कर लेंगे 50% तक अराउंड, 50 आ जा। ओके 50% तक यहाँ से कर लेते हैं डन। तो आप देख सकते हो फोटो के अंदर इफेक्ट बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बूम। अगर आपको यार ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, एंड हाँ यार डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, मतलब काफ़ी लोगों ने तो यार कर रखा है फॉलो, तो कर दो यार फॉलो, एंड मैसेज करो मुझे यार कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ओके सो यहाँ पे कर लेता हूँ इस फोटो को सेव, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो आ चुकी है पिक्सआर्ट में, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐड फोटोज़, एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं ये इफेक्ट डालना पसंद करूँगा, एंड यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट्स में, एंड यहाँ पे चलते हैं ब्लर में, एंड यहाँ पे करते हैं ब्लर, एंड इसको थोड़ा सा कर लेते हैं 5% तक, 4% तक। ओके थोड़ा सा कर लेते हैं 4% तक ब्लर, एंड यहाँ से कर लेते हैं इसको डन, एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे टैप करेंगे यहाँ पे ब्लेंड पे, एंड यहाँ पे स्क्रीन करेंगे। ओके तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा साइड में, तो यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ साइड में, या फिर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी लगा सकते हो एकदम दूर से, तो आप देख सकते हो फोटो कैसा लग रहा है। ओके सो ये फोटो को मैं कुछ इस तरीके से लगाना पसंद करूँगा जिससे कि ये लगेगा कि एकदम फोटोशॉप में एडिट किया हुआ है। ओके तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं डन। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सही लग रहा है, यहाँ पे ऐड फोटो वापस से करेंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पटाखे की मेरे पास मतलब PNGs है, एंड बहुत ही सही PNG है यार। तो यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे दो, एंड यहाँ पे तीन, ये तीन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये ट्राई करेंगे हम लोग, ये मैंने मतलब पहले मैंने जब फोटो ये पहले एडिट किया था उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तभी मैंने ये बिल्कुल नहीं की थी, अगर अच्छी लग जाती है यार मैं इसमें भी यूज़ कर लूँगा।
सो ये ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इसका इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे कम नहीं है यार, हम लोग कर लेंगे इसको सेट। तो चलते हैं यहाँ पे एंड इसको कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं जो भी यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको यहाँ से हटा लेते हैं, एंड इसकी ओपोसिटी को हम लोग कम कर देंगे, जैसे कि ऐसा लगेगा बहुत दूर है ये। ओके, तो थोड़ा दिमाग का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे एंड स्क्रीन है, ओके, एंड यहाँ पे जाएंगे ओपोसिटी एंड यहाँ पे इसको कर लेंगे कम, थोड़ा सा कम, एंड इसको हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा दूर। ओके, तो ये यहाँ पे उड़ रहा है एंड यहाँ पे दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे एंड इसको कर लेते हैं थोड़ा सा क्रॉप साइड से एंड यहाँ पे कर लेते हैं स्क्रीन। तो यहाँ पे हो गया ये इफ़ेक्ट एंड यहाँ पे जो हैप्पी दिवाली हमको लगाना है ये बहुत सही लगेगा हमको, तो यहाँ से इसको भी कर लेते हैं डन एंड यहाँ पे चलते हैं इफ़ेक्ट में एंड यहाँ पे हैप्पी दिवाली आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे चलते हैं एंड कर लेंगे स्क्रीन को हैप्पी दिवाली पे ट्राई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस के ऊपर भी ग्लो आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको जितना बड़ा कर रहा हूँ उतना सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा रख देता हूँ क्योंकि हमको इतना ज़्यादा भी नहीं दिखाना है यहाँ पे बहुत सारे पटाखे, क्योंकि फ़ोटो पूरा ख़राब लगेगा। एंड ये जो इफ़ेक्ट है ना यार, ये 1, 2, 3, 4 जो लाइट यहाँ पे लग गई है, बॉम है यार, बहुत सही लग रही है। ओके, इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा, जाना है यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में एंड आप चाहो तो यहाँ पे HDR इफ़ेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लर को फुल कर लेना होगा एंड यहाँ पे सेचुरेशन को थोड़ा सा 5% तक बढ़ा लेना होगा। सो ये बहुत सही फ़ोटो हो गया है। तो यहाँ पे चलते हैं ड्रॉ टूल के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे इस फ़ोटो को सेव कुछ इस तरीके से। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत सही लगी होगी यार, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड एक बार ज़रूर ट्राई करना ये एडिटिंग, सही में बहुत सही लग रहा है मेरे को फ़ोटो। एंड आई होप आप लोग जाओगे और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए मिलता हूँ किसी और एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।